Hello everyone. Now we are going to work on a question which is submitted by my student. So the question here is, consider the following page reference string. एक string हमको यहाँ पे दी गई है जो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 लाइक दिस. हाउ मैनी पेज फॉल्ट वुड ऑकर. हम यहाँ कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अज्यूमिंग 4 फ्रेम. और एल्गोरिथम हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फीफो और एलआरयू. तो क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं. हमें सिंपल यहाँ पर क्या है, एक मेमोरी दी गई है ओके. और एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर कितनी फ्रेम से 4. तो यहाँ पर हमने 4 फ्रेम को रख दिया. अब हमें करना क्या है कि जो रेफरेंस स्ट्रिंग हमको दी गई है, 1 by 1 इस रेफरेंस स्ट्रिंग को मेमोरी के अंदर पुट करना है ओके. जैसा कि मान लीजिए हमने 1 को रखा 2 को रखा 3 को रखा एंड 4 को रखा. ठीक, अगर 4 स्ट्रिंग को हमने मेमोरी के अंदर पुट किया तो इस केस में क्या हो गया, मेमोरी फुल हो गई. अब अगर मान लीजिए कोई नेक्स्ट स्ट्रिंग आ रही है उस हमको मेमोरी के अंदर रखना है तो कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन आएगी, या तो पेज फॉल्ट होगा या फिर पेज हिट होगा. पेज फॉल्ट क्या बोलता है कि जिस रेफरेंस स्ट्रिंग को मेमोरी में डालना है अगर वो पहले से अवेलेबल नहीं है तो हमको किसी एक स्ट्रिंग को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसकी प्लेस पे नई स्ट्रिंग आएगी. जब भी हम रिप्लेसमेंट लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट. अब अगर मान लीजिए कोई नई स्ट्रिंग आई है दैट इज 3, और अगर 3 पहले से मेमोरी में अवेलेबल है तो हमको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेज हिट. लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी पेज फॉल्ट वुड ऑकर, डेट मीन्स हमको रिप्लेसमेंट कितनी बार करना पड़ेगा ये पूछा गया है. फीफो क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग आ रही है. एलआरयू क्या बोलता है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, आपको क्लियर हो जाएंगे एक्चुअली है क्या. तो फर्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का पेज फॉल्ट को काउंट करने के लिए. तो यहाँ मैंने क्या किया कि एक मेमोरी ब्लॉक को बना के रख दिया है और साथ ही जो रेफरेंस स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे शो कर दिया है कि लाइन से जो भी रेफरेंस स्ट्रिंग है यहाँ पर पुट कर दिए. इससे क्या होता है कि हमको पेज फॉल्ट काउंट करने में ईजी रहेगा. किस तरह से हम देखते हैं, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास कौन सी है, 1, तो 1 को हमने मेमोरी ब्लॉक में पुट कर दिया बिकॉज एम्प्टी थी. 1 पहले से अवेलेबल थी क्या, नहीं, 1 फर्स्ट टाइम आई है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट. पेज फॉल्ट को मैंने ऐप से शो किया है. नाउ बारी है 2 की. अभी मेमोरी ब्लॉक में ओनली कौन अवेलेबल है, 1. अभी 3 फ्रेम्स खाली है ओके. तो 2 भी इजीली आ जाएगा, 2 पहले से अवेलेबल नहीं था, ये भी क्या कहलाएगा, पेज फॉल्ट. नाउ 3 की बारी. अगर मैं देखूँ अभी भी 2 फ्रेम्स एम्प्टी है, 3 आराम से आ जाएगा, दिस इज पेज फॉल्ट. नाउ 4 की बारी, तो 1 फ्रेम ऑलरेडी एम्प्टी है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, पेज फॉल्ट. अब बारी आती है 5 की. लेकिन अगर मैं देखूँ जो 4 फ्रेम्स थी वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, कोई भी फ्रेम खाली नहीं है. अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा फीफो. फीफो क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो अगर मैं मेमोरी के अंदर देखूँ कौन कौन अवेलेबल है, 1 2 3 एंड 4, अगर इन चारों में मैं देखूँ तो पहले कौन आया था, फीफो के अकॉर्डिंग 1 पहले आया था. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे बिकॉज लुक हियर. अगर मैं देखूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो 1 2 3 4 में 1 पहले आया है, तो 1 को रिप्लेस करेंगे, 1 की प्लेस पे आ जाएगा 5 then 2 then 3 then 4. 5 पहले से मेमोरी के अंदर नहीं था, ये भी क्या है, पेज फॉल्ट. अब बारी है 3 की. तो अगर मैं 3 को देखूँ, 3 मेमोरी में पहले से अवेलेबल है, तो ये पेज फॉल्ट नहीं है, ये क्या कहलाएगा, पेज हिट. हमको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. अब 4 को यदि हम लोग देखें, मेमोरी में पहले से अवेलेबल है 4, तो ये भी क्या कहलाएगा, पेज हिट बिकॉज 4 पहले से अवेलेबल था. 1 की बारी आएगी, लेकिन 1 को यदि मैं देखूँ तो 1 पहले से अवेलेबल नहीं है और ऑल द 4 फ्रेम्स आर ऑक्यूपाइड, किसी एक स्ट्रिंग को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो यदि हम लोग देखें 5 की पोजिशन कहाँ पर है, इस जगह पर. देन 2 की पोजिशन इस जगह पे, देन 3 की पोजीशन इस जगह पे, देन 4 की पोजीशन इस जगह पे. तो अगर मैं देखूँ इन 4 में
सबसे पहले कौन आया था? देट इज टू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू को रिप्लेस करेंगे। तो फाइव, टू को अगर रिप्लेस करेंगे तो टू की प्लेस पे कौन आ जाएगा? वन, देन थ्री, देन फोर। यहाँ पर आ गया पेज फॉल्ट, क्योंकि वन पहले से अवेलेबल नहीं था। अब बारी किसकी है? सिक्स की। अगर मैं सिक्स के केस में भी देखूँ तो सिक्स पहले से अवेलेबल नहीं है, किसी एक स्ट्रिंग को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। हम लगाएंगे यहाँ पर फिफो। तो यदि हम देखें, फाइव की पोजीशन इस जगह पे है, वन की पोजीशन इस जगह पे है, थ्री की पोजीशन इस जगह पे है, और फोर की पोजीशन यहाँ पर है। फिफो हमको यूज़ करना है, सॉरी फोर की पोजीशन यहाँ पर नहीं है, फोर की पोजीशन बल्कि यहाँ पर है। फोर को हम यहाँ से नहीं यूज़ करेंगे। अब आप सोचेंगे फोर हमने ये वाला क्यों लिया, क्योंकि आप खुद देखिए फोर पहले इस पोजीशन पे ही आया था। ओके, इसके बाद फोर निकला ही नहीं मेमोरी से। जब न्यू फोर आया था उसने क्या किया, पेज हीट रिप्लेस नहीं किया था। मीन्स फोर पहले कहाँ पे आया था? इस जगह पे। ओके, अगर मैं देखूँ फिफो के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आया है? फोर। तो फोर को हम रिप्लेस करेंगे, फोर की प्लेस पे क्या आ जाएगा? सिक्स। देन फाइव, वन, थ्री, स्ट्रिंग वैसी की वैसी रहेगी। सिक्स भी फर्स्ट टाइम आया है, मीन्स रिप्लेसमेंट किया है, सिक्स ने क्या कहलाएगा? पेज फॉल्ट। अब बारी किसकी? सेवन की। तो फाइव, वन, थ्री, सिक्स में से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ फाइव की पोजीशन कहाँ पे, जब उसने एंट्री की थी इस जगह पे, वन की पोजीशन इस जगह पे। अब आप सोचेंगे हमने ये वाला वन क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए इस वन को हम पहले ही रिप्लेस कर चुके हैं। डेट मीन्स अब इस वन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इस वन को हमने क्या किया था, इस जगह पे रिप्लेस कर लिया था। उसके बाद में वन फिर से आया था, कब? इस पोजीशन पे। तो हमने इस वाले वन को नहीं लिया। ओके, जो टू के पहले दिया गया है। वन की पोजीशन कहाँ पे आ गई? इस जगह पे। थ्री की पोजीशन, अब थ्री अगर मैं यहाँ का लूँ कि यहाँ का लूँ, तो इस थ्री ने क्या किया था? पेज हीट। ओके, तो हम कौन सा थ्री लेंगे? ये वाला। अब बारी आएंगी सिक्स की। ओके, सिक्स की पोजीशन कहाँ पे? इस जगह पे। तो अगर मैंने ऑल द फोर फ्रेम में देखे फिफो के अकॉर्डिंग पहले कौन आया था? थ्री। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे? थ्री को। थ्री की प्लेस पे आ जाएगा सेवन। थ्री की प्लेस पे हमने रखा सेवन, फाइव, वन, सिक्स वैसा कि वैसा आ गया। तो सेवन भी मेमोरी में रिप्लेस करके आया है, पहले से अवेलेबल नहीं था, ये क्या कहलाएगा? पेज फॉल्ट। अब बारी है एट की। तो एट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। फाइव की पोजीशन इस जगह पे, वन की पोजीशन यहाँ पर है, सेवन की पोजीशन इस जगह पे, सिक्स की पोजीशन इस जगह पे। तो अगर हम फिफो देखे फर्स्ट कौन सा आया है? फाइव। तो हमको फाइव को रिप्लेस करना पड़ेगा। फाइव की प्लेस पे हम क्या रखेंगे? एट। देन वन, सेवन, सिक्स वैसा कि वैसा। एट भी रिप्लेस करके आया है, यह कहलाएगा पेज फॉल्ट। अब बारी है सेवन की, बट सेवन मेमोरी में पहले से ही अवेलेबल है, यह क्या कहलाएगा? पेज हीट। अगेन बारी किसकी? अब एट की, बट एट पहले से अवेलेबल है, यह भी क्या कहलाएगा? पेज हीट। अब बारी है नाइन की, लेकिन नाइन पहले से मेमोरी में नहीं है, हमको लगाना पड़ेगा रिप्लेसमेंट। तो पहले हम देखते हैं एट, एट की एंट्री कहाँ पे हुई थी? मेमोरी में, इस जगह पे। वन की एंट्री कहाँ पे हुई थी? मेमोरी में, इस जगह पे। सेवन की एंट्री कहाँ पे हुई थी? दिस प्लेस। एंड सिक्स की एंट्री कहाँ पे हुई थी? दिस प्लेस, इस प्लेस पे। अब यदि हम देखें फोर के अंदर फिफो लगाना है, तो फर्स्ट कौन सा आया था? वन। तो हम रिप्लेस किसको करेंगे? वन को। वन की प्लेस पे आ जाएगा नाइन। अदर स्ट्रिंग को वैसे की वैसे रख देना है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? पेज फॉल्ट। अब बारी है सेवन की, सेवन मेमोरी में पहले से ही है, ये क्या कहलाएगा? पेज हीट। अदर स्ट्रिंग वैसे की वैसी रहेगी। अब बारी है एट की, एट मेमोरी में पहले से ही है, एट वैसा की वैसा रहेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेज हीट। अब बारी है नाइन की, बट नाइन पहले से मेमोरी के अंदर है, ये भी कहलाएगा पेज हीट। अब बारी किसकी आती है? फाइव की। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेमोरी फुल है, फाइव के लिए स्पेस नहीं है, किसी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं एट को देखूँ, एट की एंट्री यहाँ पे हुई थी। अगर नाइन को हम लोग देखें तो नाइन की एंट्री यहाँ पर हुई थी। सेवन को यदि देखें तो सेवन की एंट्री इस जगह पे हुई है, और जो सिक्स है, सिक्स की एंट्री कहाँ पे हुई थी? इस जगह पे। हमको लगाना है फिफो। तो फिफो के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन आया था? सिक्स। तो सिक्स रिप्लेस होगा फाइव से। देन एट, नाइन, सेवन वैसा कि वैसा। ओके, फाइव ने सिक्स को रिप्लेस करके आया है, तो पेज फॉल्ट। अब बारी है फोर की। अब फोर के लिए यदि मैं देखूँ तो मेमोरी में स्पेस नहीं, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो एट की पोजीशन यदि हम लोग देखें तो एट की एंट्री इस जगह पे हुई थी, नाइन की एंट्री इस जगह पे हुई,
सेवन की एंट्री इस प्लेस से हुई थी और फाइव की एंट्री यहाँ से हुई थी। अगर फिफो हमको देखना है तो फिफो के अकॉर्डिंग सेवन पहले मेमोरी में आया था, तो हम सेवन को रिप्लेस करेंगे। सेवन की प्लेस पे आ जाएगा फोर। ओके, रिप्लेसमेंट हुआ है तो पेज फॉल्ट, अदर स्ट्रिंग वैसे की वैसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब बारी किसकी है, फाइव की, बट फाइव पहले से मेमोरी में है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेज हीट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी पेज फॉल्ट। ओके, तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ पेज फॉल्ट कौन कौन से हमारे पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो इसका आंसर हमें कितना मिल जाएगा यदि हम लोग देखें तो हमको आंसर मिलेगा ट्वेल्व। फिफो के पेज में पेज फॉल्ट कितने हैं, ट्वेल्व। अगर ये आपसे एग्जाम में पेज हिट के बारे में पूछते, ओके, तो हमको पेज हिट कौन कौन से मिलते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हमको यहाँ पेज हिट मिल जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एलआरयू की मदद से किस तरह से हम पेज फॉल्ट निकालेंगे। सेम प्रॉब्लम लेकिन एल्गोरिथम कौन सा यूज़ करना है हमको, एलआरयू। ओके, मींस लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ऑल द फोर फ्रेम्स आर एम्प्टी, वन इजीली आ जाएगा, ये है पेज फॉल्ट। सेम कंडीशन पेज फॉल्ट की जो फिफो में थी वो एलआरयू के अंदर भी है। अगर पहले से मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो पेज फॉल्ट, अवेलेबल है तो पेज हीट। अब बारी आती है टू की, थ्री फ्रेम्स एम्प्टी है, टू इजीली आ जाएगा, पेज फॉल्ट। बारी है थ्री की, टू फ्रेम्स एम्प्टी है, थ्री भी इजीली आ जाएगा, पेज फॉल्ट। अब बारी है फोर की, तो वन फ्रेम एम्प्टी है, फोर भी इजीली आ जाएगा, ये है पेज फॉल्ट। अब बारी आएगी फाइव की, लेकिन अगर मैं देखूँ तो फ्रेम्स कैसी ऑक्यूपाइड है, कोई भी फ्रेम खाली नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। बट यूज़ क्या करेंगे हम यहाँ पे, एल आर यू, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस स्ट्रिंग को आपको इंसर्ट करना है उसके लेफ्ट साइड में देखो, तो लेफ्ट साइड में कौन से स्ट्रिंग सबसे दूर है। अगर मैं फोर को देखूँ इस जगह पे है, थ्री को देखे तो इस जगह पे है, टू को देखे तो इस जगह पे है, वन को देखे तो इस जगह पे, तो फाइव से सबसे दूर कौन सी स्ट्रिंग है, देट इज़ वन। तो हम लोग क्या करेंगे, वन को रिप्लेस करके वन की प्लेस पे फाइव को रख देंगे, टू थ्री एंड फोर। देखिए लीस्ट रिसेंटली यूज्ड का मतलब ही ये है कि जिसको हमने बहुत अभी अभी यूज़ नहीं किया हो, तो कौन सा है, वन। तो फाइव के सबसे दूर वन है, तो वन ही सबसे पुराना ऐसा है जिसको यूज़ किया था हमने लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के अंदर। ओके, अब हम लोग देखते हैं थ्री को। अगर मैं थ्री को मुझे इंसर्ट करना है, थ्री मेमोरी में पहले से ही है, सॉरी पहले जब हम फाइव को इंसर्ट किए थे क्या कहलाएगा, पेज फॉल्ट, क्योंकि फाइव पहले से मेमोरी में नहीं था। अब थ्री की बारी, थ्री पहले से अवेलेबल है, ये कहलाएगा पेज हीट, अदर स्ट्रिंग को वैसा की वैसा रख देंगे। देन बारी आती है फोर की, तो फोर पहले से अवेलेबल है, डेट इज़ पेज हीट, अदर स्ट्रिंग को वैसे ही रख देते हैं। अब बारी आती है वन की, तो वन को इंसर्ट करने के लिए यदि मैं देखूँ तो ऑल द फोर फ्रेम्स आर ऑक्यूपाइड, किसी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमको अगेन क्या करना है कि वन से देखना है लेफ्ट साइड में कौन से सबसे दूर कौन सी स्ट्रिंग है। तो अगर मैं देखूँ फोर जस्ट पास में है, देन थ्री है, देन फाइव है, देन कौन सा है यहाँ पे, टू। तो सबसे दूर कौन सी स्ट्रिंग है वन से, देट इज टू। तो हम लोग क्या करेंगे, टू को रिप्लेस करेंगे, टू की प्लेस पे कौन आ जाएगा, वन। तो ये पेज फॉल्ट है बिकॉज वन पहले से मेमोरी में नहीं था, अदर स्ट्रिंग को वैसा कि वैसा हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बारी है सिक्स की, बट सिक्स के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले से मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, ऑल द फोर फ्रेम्स आर ऑक्यूपाइड, हमको लेफ्ट साइड में देखना है कि कौन सा स्ट्रिंग सबसे दूर है। तो हम देखें फाइव को, फाइव की पोजिशन इस जगह पे है, वन की पोजिशन इस जगह पे है, थ्री की पोजिशन इस जगह पे है और फोर की पोजिशन इस जगह पे है। अगर हम देखें सबसे दूर कौन सा है, सिक्स से फाइव, तो फाइव रिप्लेस हो जाएगा, उसकी प्लेस पे आ जाएगा सिक्स, अदर स्ट्रिंग वैसे की वैसे रह गए। तो सिक्स पहले से मेमोरी में नहीं था तो ये आ जाएगा पेज फॉल्ट में। अब बारी है सेवन की, तो सेवन भी पहले से मेमोरी के अंदर नहीं है, ऑल द फोर फ्रेम्स आर ऑक्यूपाइड, हमको देखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट सबसे दूर है। तो सिक्स की पोजिशन जस्ट पास में है, देन वन की पोजिशन, देन थ्री की पोजिशन, देन फोर की पोजिशन। तो एल आर यू क्या बोलता है कि जो सबसे दूर है उसको रिप्लेस कर दो, तो थ्री अभी सबसे दूर है, तो थ्री की प्लेस पे कौन आ जाएगा, सेवन। तो ये हो गया पेज फॉल्ट, अदर स्ट्रिंग को हम वैसे कि वैसे यहाँ पे रख देंगे।
अब बारी यहाँ पर एट की। ओके, तो अगेन एट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट लगाना है, बिकॉज एट पहले से मेमोरी में नहीं है। अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, सिक्स की पोजीशन, वन की पोजीशन, सेवन की पोजीशन और फोर की पोजीशन। तो सबसे दूर कौन सा स्ट्रिंग है, डेट इज़ फोर, तो हम फोर को रिप्लेस करेंगे। फोर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एट। अदर स्ट्रिंग को वैसा कि वैसा रख दो, एट मेमोरी में पहले से अवेलेबल नहीं था, पेज फॉल्ट। अब बारी सेवन की, सेवन मेमोरी में पहले से ही है, पेज हीट। अदर स्ट्रिंग को वैसा कि वैसा लिख दो। देन बारी है एट की, एट मेमोरी में पहले से अवेलेबल है, पेज हीट। अदर स्ट्रिंग को वैसा कि वैसा रख दो। अब बारी है नाइन की, बट नाइन मेमोरी में पहले से अवेलेबल नहीं है, और मेमोरी भी ऑक्यूपाइड है। ओके, कोई भी फ्रेम एम्प्टी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में देखना है सबसे दूर कौन सा स्ट्रिंग है। सिक्स की पोजीशन यहाँ पर है, वन की पोजीशन यदि हम लोग देखें तो इस जगह पे है, सेवन की पोजीशन यदि हम लोग देखें तो इस जगह पे है। ओके, एट की पोजीशन यदि हम लोग देखें तो इस जगह पे है, ठीक। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें सबसे दूर कौन सा एलिमेंट है, तो सबसे दूर यहाँ पर है वन, तो हम वन को रिप्लेस करेंगे। वन की प्लेस पे क्या आ जाएगा, नाइन। देन अदर स्ट्रिंग को हम वैसा कि वैसा रख देंगे, नाइन पहले से मेमोरी में नहीं था, यह आ गया पेज फॉल्ट। अब बारी है सेवन की, पर सेवन मेमोरी में पहले से ही है, दिस इज पेज हिट। अदर स्ट्रिंग को हम वैसा कि वैसा यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब बारी है एट की, एट भी मेमोरी में पहले से अवेलेबल है, पेज हिट। अदर स्ट्रिंग को यहीं पे रख दो। देन बारी है नाइन की, नाइन मेमोरी में पहले से अवेलेबल है, पेज हिट। अदर स्ट्रिंग को हम वैसा कि वैसा रख देंगे। अब बारी है फाइव की, फाइव मेमोरी में पहले से नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेज रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। सिक्स की पोजीशन यदि हम लोग देखें तो सिक्स की पोजीशन कहाँ पे, इस जगह पे। नाइन की पोजीशन इस जगह पे, सेवन की पोजीशन इस जगह पे और एट की पोजीशन इस जगह पे। एक्चुअली हमें करना क्या है कि फाइव से सबसे पास की पोजीशन लगाना है। जैसे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एट इस जगह पे भी है, एट इस जगह पे भी है, एट इस जगह पे भी है, तो मैंने कौन सा एट यहाँ पे सिलेक्ट किया जो फाइव के नियर बाय था, तो कौन सा था, एट, ये वाला। ओके, सो अगर मैं देखूँ अब इसके अंदर फाइव से सबसे दूर कौन सा एलिमेंट है एलआरयू के अकॉर्डिंग, डेट इज सिक्स, तो हम सिक्स को रिप्लेस करेंगे। सिक्स की प्लेस पे आ जाएगा फाइव, नाइन सेवन एट वैसा कि वैसा। तो फाइव पहले से मेमोरी में नहीं था, दिस इज पेज फॉल्ट। अब बारी आएगी फोर की, तो यदि हम फोर को देखें मेमोरी में पहले से अवेलेबल नहीं है, तो रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। फाइव की पोजीशन इस जगह पे, नाइन की पोजीशन इस जगह पे, सेवन की पोजीशन यहाँ पर और एट की पोजीशन यहाँ पर। तो सबसे दूर कौन सी स्ट्रिंग है, दैट इज सेवन, तो हम सेवन को रिप्लेस करेंगे फोर से। यहाँ पे फोर आ गया, देन फाइव नाइन एट हमने उतार दिया, ये भी क्या है, पेज फॉल्ट, बिकॉज फोर पहले से अवेलेबल नहीं था। अब बारी आएंगी फाइव की, फाइव तो पहले से अवेलेबल है, ये हो गया पेज हिट। अदर स्ट्रिंग को वैसा कि वैसा लिख दो। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, तो हमें कितने मिलेगा यहाँ पे, दैट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। तो हमको यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेज फॉल्ट हमें कितना मिल रहा है एलआरयू के केस में भी, ट्वेल्व, ठीक। अगर पेज हिट देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हमको यहाँ क्या मिल रहा है, पेज हिट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पेज फॉल्ट फॉर फिफो इज ट्वेल्व, पेज फॉल्ट फॉर एलआरयू इज ट्वेल्व। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिकॉज और भी क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से आए हैं। और यदि इस एपिसोड में आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।